जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है वक्त वक्त पर खुद में बदलाव जरूरी है तभी जिंदगी का दौर बदलेगा धैर्य होता क्या है पेशेंस वॉट इज इट कठिन समय में व्यक्ति के सहन करने की क्षमता को धैर्य कहते हैं या धीरज रखना कहते हैं एक बार द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने पूछा गुरुदेव आखिर अर्जुन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है द्रोणाचार्य ने कहा धैर्य ठहराव जरूरी है और मन का ठहराव ही धैर्य है यानी धैर्य और निरंतर प्रयास ही आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा सकता है एक उदाहरण से समझते हैं कि धैर्य कितने समय तक रखना होगा अमेरिका में जोई बाइडेन वर्षों से राजनीति में सक्रिय थे 2008 में अमेरिका के इलेक्शन में उनके ही पार्टी की सरकार बनी इसके बावजूद राष्ट्रपति बराक ओबामा बने थे तब ओबामा का उम्र 48 वर्ष और जो बाइडेन का उम्र सड़सठ साल था लगभग 19 साल कम उम्र के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया इतना ही नहीं 2013 के इलेक्शन में दूसरी बार फिर जोई बाइडेन के पार्टी की सरकार बनी और ओबामा को अमेरिका का दूसरे बार का कार्यकाल मिला अब जोई बाइडेन का उम्र इकहत्तर साल हो चुका था 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तब जोई बाइडेन का उम्र चौहत्तर साल था लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास 2020 के इलेक्शन में अमेरिका के लोगों ने 78 वर्षीय जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुना इसलिए धैर्य यानी धीरज और निरंतर प्रयास अपने लक्ष्य पूरा होने तक रखना होगा ऐसा करने से सफलता निश्चित है बाई डूइंग सो सक्सेस इज सर्टन